हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट सिम्स स्पेकुलम। सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम। डबल ब्लेडेड जो ये दो ब्लेड होते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। डिफरेंट साइज के इसलिए होता है कि जैसा वेजाइना का सेप हो, जैसे नली पेरस में है, स्मॉल वेजाइना है तो उसमें पतला वाला साइज़, और जो मल्टी पेरस है उसमें बड़ा वाला साइज़ यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या है, पोस्टीरियर वेजाइनल वेजाइना में ऐसे इंसर्ट करते हैं, 90 डिग्री पर रोटेट करके पोस्टीरियर पार्ट को रिट्रैक्ट करते हैं, जिससे सर्विक्स और वेजाइना ईजिली विजुलाइज हो जाए। नेक्स्ट एंटेरियर वेजाइनल रिट्रैक्टर। जनरली ये एंटीरियर वेजाइनल रिट्रैक्टर एंड सिम्स स्पेकुलम ये दोनों साथ में ही यूज करते हैं। ये पोस्टीरियर में पोस्टीरियर वाल को रिट्रैक्ट करने के लिए रहता है, तो इसके साथ साथ एंटीरियर वाल को, वेजाइनिक एंटीरियर वाल को रिट्रैक्ट करने के लिए एंटीरियर रिट्रैक्टर रहता है, जिससे कि सर्विक्स और वेजाइनल वाल ईजिली विजुलाइज हो जाए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल टूथ वल्सेलम। ये मल्टीपल टूथ है वल्सेलम, मल्टीपल टूथ वल्सेलम, इसका काम होता है ये एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करने के लिए होता है। जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं सर्विक्स में, जैसे डीएनसी करने से पहले, डीएनई करने से पहले, या फिर कोई और भी यूट्रस में प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके पहले यूट्रस के एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एलिस टिशू फोर्सेप। एलिस टिशू फोर्सेप इससे जहाँ पे एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को इससे भी होल्ड कर सकते हैं, और इसको जहाँ पे भी सूचर करते हैं, जैसे ईपीजियोटॉमी लगाते हैं, तो जो दोनों उसके साइड के रहते हैं फोल्ड, उसको पकड़ के सूचर करने में ये यूज होता है, या कहीं और पे भी सर्जरी के दौरान में सूचर करने से पहले पेरिनियम हुआ या रेक्टस सीथ, उसको होल्ड करने के लिए एलिस टिशू फोर्सेप को, जैसे नाम ही है ना टिशू फोर्सेप, तो इसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द यूटराइन साउंड। तो यूटराइन साउंड ये इसका काम होता है ये टू मेजर द साइज एंड शेप ऑफ द यूट्रस। जैसे यूट्रस का नॉर्मल शेप होता है ना एंटीवर्टेड, तो ये देखेंगे ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो इससे सेप पता चलता है। अगर एंटीरियर की तरफ जाता है एंटीवर्टेड है, या रिट्रोवर्टेड है तो पता चल जाता है उससे कि एंटीवर्टेड है कि रिट्रोवर्टेड। और यूट्रस का साइज़, क्योंकि यूट्रस में जो भी प्रोसीजर करते हैं ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, तो उसमें सबसे पहले अगर हमें यूट्रस में कोई भी प्रोसीजर करना है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करना हो, या फिर उसमें मल्टी लोड या कॉपर्टी जो भी इंसर्ट करना हो, तो हमें यूट्रस का साइज़ भी पता करना होता है कितना है। इस पर ग्रेजुएशन, इस पर नंबरिंग बनी हुई है, यहाँ पे ये सब है, इससे पता चल जाता है, उससे हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद इस और इसका एक यूज़ और भी है कि यूट्रस में अगर कोई मेटलिक चीज़ है तो उसको ऐसे साउंड करके देख लेते हैं, जैसे अगर मिसिंग कॉपर टी है तो उसको अगर ऐसे अंदर में डाल के थोड़ा 360 डिग्री में ऐसे रखेंगे तो उससे साउंड आएगा, और ये फर्स्ट डायलेटर भी की तरह भी एक्ट करता है। नेक्स्ट है डायलेटर सेट। ये दास डायलेटर सेट है, इसमें कई सेप्स के आते हैं, जैसे ये सबसे पतला है, और भी मोटे साइज़ के भी आते हैं। तो इसका काम होता है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, टू डायलेट द सर्विक्स। तो जैसे इसमें ये है एक साइड में, दोनों में ही एक साइड में पतला होता है, एक साइड में मोटा होता है, तो जो पतला होता है पहले पतले वाले से धीरे धीरे इंसर्ट करके सर्विक्स में। इसका तरीका ये होता है भाई कि सबसे पहले यूट्राइन साउंड से हमने लेंथ मेज़र कर लिया, फिर उसके बाद जितना लेंथ है उसके हिसाब से देख के ये फिंगर, गाइडिंग फिंगर लगा के अंदर में इंसर्ट करके धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि इससे ज़्यादा अंदर ना जा सके, और इसी जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से उतना मोटा डायलेटर यूज करके सर्विक्स को डायलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ओवम फोरसेप। ओवम फोरसेप इसका ये देखेंगे यहाँ पे आगे में, ये थोड़ा सा कप शेप में ऐसे है, और इसमें कैच नहीं है। ओवम फोरसेप का फंक्शन होता है, जो प्रोडक्ट आप
कंसेप्टस है यूट्रस के अंदर, उसको निकालने के लिए जैसे डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें इसमें कैच नहीं होने से इसका फ़ायदा होता है कि ये यूट्रस में इंजुरी नहीं होने देता, कि ब्लाइंड प्रोसीजर होते यूट्रस के अंदर हम देख नहीं पाते, तो बाई चांस अगर टिप से यूट्रस की वॉल इसमें होल्ड हो गई तो कैच न होने की वजह से यूट्रस में ज़्यादा इंजुरी नहीं होने पाती। नेक्स्ट है यूटराइन क्यूरेट। यूट्राइन क्यूरेट इसमें दो एंड होता है, ये ब्लंट एंड है, एक शार्प एंड है। ये यूट्रस के अंदर में क्यूरेट करने के काम में आता है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज डीएनसी प्रोसीजर में। तो इसमें जो दो एंड है, अगर हमें डीएनसी या डीएनई जो भी करना है, अगर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कर रहे हैं डीएनसी, तो उसमें हम शार्प एंड यूज़ करते हैं, ये शार्प एंड है। अगर हमें प्रेग्नेंट यूट्रस में यूज़ करना है तो ये ब्लंट एंड, क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस सॉफ्ट होता है। अगर हम उस केस में शार्प एंड यूज़ करेंगे तो चांसेस है यूट्राइन इंजुरी का। नेक्स्ट इज द स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप बच्चे बहुत बार ओवम फोरसेप से कन्फ्यूज़ करते हैं, तो दोनों में ये है कि एक तो देखिए स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप में क्या है, ये कैच है, ओवम फोरसेप में कैच नहीं है। दूसरा चीज़, ये जो सेरेटेड है, क्योंकि इसका काम है स्पॉन्ज होल्डिंग, स्पॉन्ज को होल्ड, इसका स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप का फंक्शन ये होता है कि स्टेराइल पेंटिंग, जैसे कोई भी प्रोसीजर करना हो, कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी करनी हो, तो एब्डोमिन के ऊपर जो स्टाइल पेंटिंग करते हैं वो स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप के हेल्प से करते हैं, या फिर वल्वा वेजाइना, कोई भी स्ट्रक्चर को क्लीन करना हो तो इसी से स्पॉन्ज यहाँ पे गॉज पीस पकड़ के स्वैब को लेके उससे करते हैं, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर सर्विक्स के लिप को देखना है कि कहीं से सर्वाइकल टीयर तो नहीं है, तो दो स्पॉन्ज होल्डर फोरसेप के साथ पकड़ के, एंटीरियर पोस्टीरियर लिप दोनों पकड़ के, उससे ईजिली हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है एपिजियोटॉमी सीजर। एपिजियोटॉमी सीजर क्या है, ये एपिजियोटॉमी लगाने के काम में आता है, जो ड्यूरिंग डिलीवरी क्राउनिंग के समय देते हैं, तो इसका सेप भी ऐसे रहता है ताकि ईजिली एपिजियोटॉमी लगा सके उस समय, क्योंकि जगह कम थोड़ी रहती, तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे सेप की वजह से ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कसकस स्पेकुलम। इसका पूरा नाम होता है कसकस बाईवाल्व सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। तो बाईवाल्व दो वाल है, सेल्फ रिटेनिंग क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, कोई भी इसका फंक्शन होता है कि सर्विक्स या वेजाइना में हमें कुछ भी विजुलाइज करना हो या कोई स्मॉल प्रोसीजर करना हो तो इससे कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है सेल्फ रिटेनिंग। इसको इंसर्ट कर लेते हैं ऐसे वेजाइना में, इंसर्ट करने के बाद जितना हमें ओपन करना है, ये ओपन करने के बाद ये जो इसमें स्क्रू लगा है इसको टाइट कर देते हैं, तो इसे ये फिक्स हो जाता है। फिर हमें जो भी प्रोसीजर करना है, हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फिक्स रहेगा, हमारा दोनों हैंड फ्री है, हम अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है HSG कैनुला, हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी कैनुला। ये HSG प्रोसीजर जो करते हैं हिस्टोसेल्पिंजियोग्राफी, उसमें ये यूज़ होता है। इसको सर्विक्स में फिक्स करके यहाँ से डाई डाल के फिर एक्सरे लेते हैं, तो ये HSG कैनुला। नेक्स्ट है ये वेंटाउस कफ, ये वेंटाउस कफ है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फोरसेप, ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप, दिस इज़ द रिग्लीज टाइप ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप। तो जो वेंटाउस और रेगलीज फोरसेप, ये दोनों ही ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप्स हैं। ये ऑब्स्टेट्रिक जो डिलीवरी जब जो करते हैं ऑपरेटिव डिलीवरी, उसमें यूज होता है। दिस इज़ द नीडल होल्डर, नीडल होल्डर है, तो जब भी कहीं पे भी सूचर लगाना हो उसमें नीडल को होल्ड करने के लिए नीडल होल्डर का यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये एक देखना है कि ये एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूप्स रहता है, तो इससे ईजिली पहचान सकते हैं कि ये दोनों साइड में रहता है कि नीडल होल्डर है। नेक्स्ट है पिनार्ड स्टेथोस्कोप। ये है पिनार्ड स्टेथोस्कोप, ये पहले यूज होता था फीटल हर्ट साउंड सुनने के लिए। इसको कान के पास लगा के, जो सुन रहा वहाँ से लगा के, इसको मदर के एब्डोमेन पे रख के बीच में, फिर हैंड से पकड़ते नहीं हैं, तो इसमें से साउंड, फीटल हर्ट साउंड सुनाई पड़ता है, लेकिन अभी ये यूज़ में नहीं है।
नेक्स्ट इज द दिस इज द फीटल डॉपलर. तो फीटल डॉपलर है, फीटल हर्ट साउंड को सुनने के लिए ये मॉनिटर है, इस पर फीटल हर्ट साउंड आता रहता है. इसे चेक कर सकते हैं रेगुलर है इरेगुलर है, कितना फीटल हर्ट साउंड है वो पूरा इजिली हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट ये है चिटल फॉर्सेप. चिटल फॉर्सेप क्या होता है? चिटल फॉर्सेप आपका ये है कि इसको कोई भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट हो, स्टेराइल गॉज पेस्ट टॉवल या कुछ भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट हो तो इससे हमको होल्ड करके हम निकाल सकते हैं. मतलब स्टेराइल थिंग्स ये क्या रहता है, एक किसी बीटाडीन या सॉरी ये सेवलॉन के सेवलॉन में रखा रहता है जिससे स्टेराइल रहता है. उसके बाद जब भी हमें यूज करना होता है इसको वहाँ से लेते हैं, जो भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट या स्टेराइल गॉज पीस या स्टेराइल जो भी चीज़ लेना है वहाँ से स्टेराइल थिंग्स लिया और उसके बाद वापस इसको उसी में रख दिया. इससे क्या होता है, कंटेमिनेशन नहीं हो पाता. कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्जरी में नॉर्मली यूज होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ. ये है बीपी हैंडल. इसमें ब्लेड लगा के जो भी इंसीजन वगैरह देना होता है इसको यूज़ करते हैं, बीपी हैंडल. नेक्स्ट ये है थंब फॉरशिप. टू टाइप्स के थंब फॉरशिप, ये प्लेन है और ये टूथ है. तो जहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ये दोनों ही थंब फॉरशिप कुछ टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है कहीं पे भी. तो जहाँ पे हमें ग्रिप चाहिए, स्लिपरी है, टफ स्ट्रक्चर है, वहाँ पे तो ये टूथ फॉरशिप यूज़ करते हैं, टूथ थंब फॉरशिप, ताकि ग्रिप अच्छा बना रहे. लेकिन जहाँ पे भी अगर सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे इसको प्लेन को यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे इंजुरी ना हो. एंड नेक्स्ट ये है सूचर रिमूवल. तो सर्जरी के बाद अगर सूचर कहीं से निकालना हो तो ये ऐसा रहता है, इसको पतला से जैसे ये है ना, तो इसको सूचर में इजिली ऐसे डाल के कट कर देते हैं. तो ये सूचर रिमूवल सीजर है. ये प्लेन सीजर है, नॉर्मल कोई भी कटिंग में यूज हो जाता है. एंड एक ये है बैबकॉक. बैबकॉक फॉरशिप, यहाँ देखिए आगे थोड़ा सा अलग सा ही स्ट्रक्चर है. इसको मोस्टली गायनिक सर्जरी में ट्यूबेक्टोमी में यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट ये मेन मेन इंस्ट्रूमेंट जो गायनिक ऑप्स में हम यूज़ करते हैं वो हो गया. इसमें अगर और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू. थैंक यू.